गाइज आज है 23 जनवरी, मतलब कल हमारे गेम में OB43 का न्यू अपडेट आने वाला है। और गाइज इस अपडेट के बाद हमारा जो गेम है वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया जाएगा और आप लोगों को बहुत सारे फ्री के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। अब अगर चेंजेस की बात करें तो इस बार हमारे गेम के अंदर पूरे 50 प्लस चेंजेस किए गए हैं, जो कि मैं आप लोगों को वीडियो के आगे बताऊंगा। और गाइस साथ ही साथ आप लोगों को लॉगिन रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं। मतलब जैसे आप लोग अपने गेम को अपडेट करने के बाद उसके अंदर जाओगे भाई, आप लोगों को लॉगिन के तौर पे काफी सारे फ्री के रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन भाई एक छोटा सा प्रॉब्लम है, काफी सारे लोग को अपने गेम को अपडेट करना ही नहीं आता। वो लोग सोच रहे कि भाई हम लोग अपने गेम को अपडेट कहां पर करेंगे, कैसे करेंगे। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सब कुछ करके दिखाने वाला हूं। आज के इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा आने वाला है, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। और आज हम लोग एक छोटा सा लाइक टारगेट रखते हैं 5K का, तो आई होप आप लोग कंप्लीट करवा दोगे। बहुत छोटा सा है यार, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया फटाक से वीडियो को लाइक कर दो। भाई ने बोला करने का तो करने का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपडेट के बाद हमारे गेम में आने वाले चेंजेस के बारे में। तो गाइस फ्री फायर वालों का परंपरा है, जब भी हमारे गेम में कोई भी ओबी का अपडेट आता है भाई, सबसे पहले आप लोग एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है, नया वेपन देखने को मिलता है। तो इस OB43 अपडेट में भी आप लोग एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है, जिसका नाम होगा राइडन, जो कि आप लोग देख पा रहे, दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन बात करें इसके स्किल के बारे में, ये एक एक्टिव कैरेक्टर का स्किल होने वाला है। और अगर आप लोग इसका स्किल यूज करते हो तो भाई आसपास के 5 मीटर के रेंज में जो भी इनेमीज होंगे ना, उनके ऊपर जाकर ये जाला चिपक जाएगा। मतलब ये एक तरह का जाला फेंकता है, जो कि इनेमी में जाके चिपक जाएगा और इनेमी का 80% का मूवमेंट स्पीड कम कर देगा, जो कि बहुत कम होता है। और उसको 10-10 का डैमेज भी लगने वाला है। तो एक तरह से बहुत ही बढ़िया सा कैरेक्टर है, लेकिन आप लोग को यूज करना आना चाहिए, ठीक है। वैसे इस कैरेक्टर को आप लोग अपडेट के बाद खुद से यूज करके देख लेना, क्योंकि ये कैरेक्टर आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में लॉग इन करने के बदले मिलने वाला है। मतलब जैसे आप लोग अपने गेम को अपडेट करोगे और लॉगिन करोगे ना, तो आप लोगों को फ्री का कैरेक्टर ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। अब गाइस हम लोग बात करते हैं न्यू वेपन के बारे में, जो कि आप लोगों को इसी अपडेट के बाद हमारे गेम में देखने को मिलने वाला है। और गाइस इस वेपन का नाम होगा VSK-94, जो कि गाइस एक स्नाइपर गन है। इसके अंदर आप लोग स्नाइपर एमो यूज कर सकते हो, और अगर आप लोग इससे एनिमी को बॉडी शॉट मारते हो तो 120 का डैमेज देने वाला है। तो डैमेज तो काफी अच्छा है, अगर आप लोग इसको यूज करोगे तो बहुत मजा आएगा। और ये आप लोग अपडेट के बाद हमारे गेम में देखने को मिलेगा, ठीक है। गाइस हम लोग बढ़ते हैं चेंजेस के ऊपर। तो गाइस इस बार OB43 अपडेट के बाद आप लोगों को मैप के अंदर डेंजर जोन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग एक ओल्ड प्लेयर होगे तो आप लोगों को याद होगा, पहले हमारे गेम के अंदर डेंजर जोन रहा करता था, तो अब आप लोगों को फाइनली डेंजर जोन रिटर्न देखने को मिलेगा। वैसे इसे देखकर आप लोगों को अभी बहुत मजा आ रहा होगा, लेकिन इसका सजा भी आप लोगों को मिलेगा मैप के अंदर कहीं पर भी। अगर आप लोग डेंजर जोन के बीच में रहते हो और डेंजर जोन आपके ऊपर गिर जाता है, तो आपका खेल उधर ही खलास, खत्म हो जाओगे। एनीवेज बढ़ते हैं नेक्स्ट चेंजेस के ऊपर। तो गाइस अपडेट के बाद अगर आप लोग बैटल रॉयल का गेम खेलोगे और प्लेन से कूदोगे ना, तो फर्स्ट टाइम में ही आप लोग को UMP मिल जाएगा भाई। ये ना बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसे आप लोग जैसे ही उतरोगे वैसे ही फाइट ले सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चेंजेस के ऊपर। तो गाइस जैसे आप लोग अपने गेम को अपडेट करोगे, उसके बाद आप लोग को सेटिंग के अंदर एक न्यू सेटिंग देखने को मिलेगा, हाइट टीममेट नेम। और अगर आप लोग हाइट पे क्लिक करते हो, उसके बाद आपके टीममेट का निकनेम शो ही नहीं करेगा, जैसे कि भी आप लोग देख पा रहे हो। तो ये काफी सही हो जाएगा, काफी सारे लोगों को वीडियोस वगैरह बनाना होता है, तो आप लोग अपने टीममेट का निकनेम हाइड कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग को टीममेट का निकनेम अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग हाइड करके खेल सकते हो। ये चेंज मुझे एक्चुअली में काफी अच्छा लगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चेंजेस के ऊपर। तो गाइस अगर आप लोग अपडेट के बाद मैप के अंदर कहीं पर भी घूमोगे ना, तो आप लोग को साइबर मशरूम देखने को मिलने वाला है, जो कि कुछ इस टाइप का रहेगा। और अगर आप लोग इसको यूज करोगे ना, तो आपके आसपास में सर्कल बन जाएगा, और अगर आप लोग इसी सर्कल के अंदर रहोगे तो आपका कितना भी कम HP रहेगा वो HP फुल हो जाएगा। ये चेंज भी काफी अच्छा है। बहुत सारे लोग बस मेडकिट वगैरह नहीं होता है, वो जोन से भागते रहते हैं, तो भाई आप लोग ऐसे करके मेडकिट फुल कर सकते हो, उसके बाद जोन से निकल सकते हो। तो भाई ये चेंजेस भी मुझे काफी अच्छा लगा। गाइस हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चेंजेस के ऊपर। जैसे कि आप लोग पहले लोडआउट वगैरह ले जाते थे, लेकिन अब आप लोग को अपडेट के बाद एक कॉम्बैट देखने को मिलेगा। और इसमें क्या है कि अगर आप लोग कोई भी आइटम को सेलेक्ट करते हो, तो ये 3 आइटम लेवल वाइज आप लोग को इन गेम के अंदर बैग में ऑटोमेटिकली मिलने वाला है, ठीक है। इसके लिए बस आप लोग को लेवल अप करना पड़ेगा, और लेवल अप करने के लिए आप लोग ज्यादा ज्यादा किल्स करना या फिर दौड़ना भागना, आपका लेवल ऑटोमेटिक अप होगा और आप लोग को आइटम मिल जाएगा, ठीक है। गाइस हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट्रा 2.0 के बारे में। आप लोगों ने ये वाला बैनर तो देखा ही होगा, मतलब मैं आप लोग को बता दूं, नेक्स्ट्रा को और भी अच्छी तरीके से मॉडिफाई किया जा रहा है, जो कि आप लोग को अपडेट के बाद नेक्स्ट्रा 2.0 के नेम से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट्रा मैप के अंदर एक न्यू प्लेस ऐड होने वाला है, जिसका नाम होगा जिपवे, जो कि अभी आप लोग देख पा रहे हो, ये दिखने में काफी सही लग रहा है। आप लोग को हर जगह जिपलाइन वगैरह देखने को मिलता है, आप लोग जिपलाइन से इधर उधर जा सकते हो, काफी सही लग रहा है। ये लोकेशन आप लोग को CS के अंदर भी देखने को मिलेगा, BR में तो आप लोग को नेक्स्ट्रा मैप में ये वाला लोकेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन CS का एक राउंड आप लोग को ये वाला लोकेशन पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। गाइस हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चेंजेस के ऊपर, जो कि है लूट को लेकर। अब देखो बहुत सारे मेरे दोस्त लोग यार इसी बात पे रोते हैं कि भाई मेरे पास तो लूट ही नहीं है, लूट ही नहीं है। आप लोग उनको 2 मुक्के मार के बोलना, भाई आर्सेनल के अंदर कोई भी की नहीं लगता, जाके लूट ले, क्योंकि यार अब आप लोग अपडेट के बाद आर्सेनल के अंदर कोई भी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आर्सेनल ऑटोमेटिक खुला हुआ रहेगा और इसके अंदर आप लोगों को लूट भी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। तो लूट करना और बंदों को पेल देना।
अब गाइस हम लोग बात करते हैं वेपन एडजस्टमेंट के बारे में। तो आप लोगों को ये तो अच्छे से पता ही होगा, अभी के टाइम पे ट्रॉगन बहुत सारे बंदे यूज कर रहे हैं क्योंकि यार वो अभी बहुत ही तगड़ा चल रहा है। लेकिन अपडेट के बाद इनके एट्रीब्यूट्स काफी कम किए जाएंगे। जैसे कि अभी आप लोग बैनर देख पा रहे हो कि ये 6 वेपन्स के अंदर एडजस्टमेंट किया जाने वाला है। जैसे अगर हम लोग बात करें M500 की, तो भाई M500 का डैमेज बढ़ाया जाने वाला है और G36 वेपन का भी डैमेज बढ़ने वाला है, VSS का रेट ऑफ फायर बढ़ने वाला है और किंगफिशर का भी डैमेज बढ़ने वाला है। लेकिन अगर ट्रॉगन की बात करें तो ट्रॉगन का डैमेज घट जाएगा और रेट ऑफ फायर भी घट जाएगा और M60 का भी डैमेज घटने वाला है। तो भाई ये 6 वेपन्स के अंदर एडजस्टमेंट किया जाएगा अपडेट के बाद, जो कि मैंने आप लोगों को फुल एक्सप्लेन करके बता दिया है। अब हम लोग थोड़ा कैरेक्टर अपडेट्स के ऊपर भी बात करते हैं क्योंकि इस बार अपडेट में काफी सारे कैरेक्टर स्किल के अंदर चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हो पोस्टर के अंदर ऊपर में जो आप लोग 4 कैरेक्टर देख रहे हो, इनके स्किल के अंदर इंप्रूवमेंट किया गया है, मतलब इनके स्किल को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो बीच वाला कैरेक्टर आप लोग देख रहे हो, जैसे कि तत्सुया हो गया, सोनिया, ओरियन और एंटोनियो, ये 4 कैरेक्टर के स्किल को काफी कम किया गया है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सोनिया कैरेक्टर की, तो सोनिया कैरेक्टर का जो स्किल है वो बहुत ही बेकार कर दिया गया है। अगर आप लोग अपडेट के बाद सोनिया कैरेक्टर को लेकर खेलोगे और कोई एनिमी आपको मार के सोनिया बना देता है, तो आप लोगों को सिर्फ 2 सेकंड का टाइम मिलेगा और गाइस उस 2 सेकंड में अगर आप लोग एनिमी को मार भी देते हो ना, तब भी आप लोगों को मरना ही मरना है, मतलब बचने का कोई चांस नहीं है। जैसे कि अभी के टाइम पे अगर हम लोग सोनिया बन जाते हैं तो हमें 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है और अगर 3 सेकंड में हम लोग अगर एनिमी को मार देते हैं तो हम लोग जिंदा हो जाते हैं। लेकिन गाइस अपडेट के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा, और साथ ही साथ इस अपडेट के बाद ओरियन कैरेक्टर का मूवमेंट स्पीड भी काफी कम कर दिया गया है। और अगर आप लोग तत्सुया कैरेक्टर यूज करते हो, तो भाई अभी के टाइम पे आप लोग 3 बार दौड़ते हुए ना तत्सुया से, लेकिन अपडेट के बाद सिर्फ आप लोग 2 ही बार दौड़ पाओगे। जैसे इन कैरेक्टर का बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा था इस अपडेट में, लेकिन अपडेट के बाद इन कैरेक्टर्स को ज्यादा लोग यूज नहीं करेंगे। हालांकि तत्सुया को लेकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैं भी तत्सुया लवर हूं। CS और BR दोनों के अंदर मैं तत्सुया कैरेक्टर को ही यूज करता था, लेकिन अब लगता है भाई अपडेट के बाद मुझे अपना कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा। वैसे आप लोग कौन सा कैरेक्टर ज्यादातर यूज करते थे कमेंट्स के अंदर जरूर से बताना। अब गाइस हम लोग बात करते हैं फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बंदे फ्री रिवॉर्ड्स का इंतजार कर रहे होंगे। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, इस अपडेट के बाद सबसे पहले तो आप लोगों को फ्री का कैरेक्टर मिलेगा, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था। साथ ही साथ आप लोगों को गोल्ड्स वगैरह मिलने वाले, वाउचर्स मिलेंगे, जो कि हर अपडेट में फ्री फायर वाले हमें लॉग इन करने के बदले बिल्कुल ही फ्री का देते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को गोल्ड रॉयल के अंदर एक नया बंडल भी देखने को मिलेगा, जो कि गोल्ड से स्पिन करने पे बिल्कुल ही फ्री का मिल जाएगा। वैसे मुझे गोल्ड रॉयल का 100% कंफर्म बंडल नहीं मिला है, लेकिन मैं आप लोगों को बंडल फिलहाल दिखा देता हूं। अभी आप लोगों स्क्रीन देख पा रहे, ये हमारा नेक्स्ट गोल्ड ऑयल बंडल हो सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पे हमारे गोल्ड ऑयल में फीमेल का बंडल चल रहा है। और गाइस फ्री फायर वाले एक बार फीमेल का गोल्ड ऑयल देते हैं, उसके बाद मेल का गोल्ड ऑयल देते हैं, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट गोल्ड ऑयल हमारा मेल का बंडल होने वाला है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया, लेकिन वो बंडल 100% कंफर्म नहीं है क्योंकि यार अभी तक डेटा माइनर ने कंफर्म नहीं किया है। लेकिन हाँ, वही बंडल हो सकता है, 90% चांस है, ठीक है। साथ आप लोगों को एक न्यू वेपर ऑयल भी देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों को ऑक का गन स्किन देखने को मिलेगा, जो कि अभी आप लोग देख पा रहे, इसके एट्रीब्यूट्स भी आप लोग देख सकते हो, काफी सही लग रहा है दिखने में, तो बहुत अच्छा है और एट्रीब्यूट्स भी काफी सही है। ये आप लोगों को गोल्ड से स्पिन करने के बदले बिल्कुल ही फ्री का मिल जाएगा। साथ ही साथ इस अपडेट के बाद मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर आप लोगों को 10 नए बंडल्स देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल ये जो बंडल आप लोग देख रहे हो, ये पुराने बंडल्स हैं और इनमें से 10 बंडल रिमूव हो जाएंगे और यहां पर आप लोगों को 10 नए बंडल देखने को मिलने वाले। कौन कौन से बंडल्स रिमूव होने वाले और कौन कौन नए बंडल्स आने वाले, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों ने उस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, मेरे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, मैंने 3-4 दिन पहले ही बना दिया था, ठीक है। गाइस हम लोग बात करते हैं द चाओस इवेंट के बारे में, जो कि आप लोगों को अपडेट के एक दिन बाद देखने को मिलेगा। जैसे कि 24 जनवरी को हमारे गेम में अपडेट आएगा और गाइस आप लोगों को ये सारे रिवॉर्ड्स तो मिल जाएंगे। उसके बाद 25 जनवरी को हमारे गेम में द चाओस का इवेंट स्टार्ट होगा, जिसके अंदर आप लोग काफी सारे अलग अलग मिशन देखने को मिलेंगे और आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री का इमोट मिलने वाला है, साइथ का स्किन मिलेगा, बंडल मिलेगा। वैसे इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आप लोगों ने उस वाले वीडियो को नहीं देखा है जाकर देख सकते हो, उसके अंदर मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया और इसके अंदर भी आप लोगों को काफी सारे फ्री के रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। अब गाइस हम लोग बात करते हैं अपडेट के बारे में। देखो यार, जब तक आप लोग अपने गेम को अपडेट नहीं करोगे, ये सारे चेंजेस आप लोगों को गेम में देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है आपका गेम ओपन ही ना हो, तो आप लोगों को सबसे पहले अपने गेम को अपडेट करना होगा और अपडेट करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को 24 जनवरी को एक अपडेट देखने को मिलने वाला है, जो कि आप लोगों को 12 बजे तक प्ले स्टोर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग डेट याद रखना 24 जनवरी, जो कि कल ही है। तो कल आप लोग 11 या फिर 12 बजे दोपहर में प्ले स्टोर के ऊपर जाना और वहां पर सर्च करना फ्री फायर मैक्स और आप लोग को अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली से आप लोग अपडेट पे क्लिक करने के बाद अपडेट कर लेना। अपडेट अराउंड 300 या फिर 400 MB का होगा, तो आप लोग MB बचा के रखना। और जैसे आप लोग अपने गेम को अपडेट करोगे, उसके बाद आप लोग को थोड़ा टाइम तक रुकना पड़ सकता है, जैसे कि 1 घंटा 1.5 घंटा रुकना पड़ सकता है, क्योंकि फ्री फायर वाले थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेते हैं। उसके बाद गाइस 1 घंटे के बाद आपका गेम फाइनली ओपन हो जाएगा और गाइस ये सारे चेंजेस आप लोगों को हमारे गेम में देखने को मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग नॉर्मल फ्री फायर खेलते हो, तो उसके लिए गाइस आप लोगों को 3-4 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप लोग गूगल के ऊपर जाकर नॉर्मल फ्री फायर का अपडेटेड वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को डायरेक्टली लिंक दे दूंगा, ठीक है। यही था आज के इस वीडियो के अंदर, मैंने आप लोगों को OB43 अपडेट के बारे में सारा कुछ बता दिया है। लेकिन अगर आपका और भी कोई भी डाउट है तो कमेंट्स के अंदर
बिंदास पूछ सकते हो। वैसे गाइस अपडेट में और भी काफी सारे चेंजेस होने वाले हैं और भी काफी सारे फ्री के रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले, लेकिन सब कुछ एक वीडियो के अंदर कवर नहीं हो सकता। ऑलरेडी 10 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो यार मैं वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा। तो कुछ भी था इस अपडेट में मैंने आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में सारा कुछ बता दिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।